और यहाँ रामकृष्ण परमहंस ने भी ये साधना संपन्न की थी। और पांचवी पास रामकृष्ण परमहंस इतने ज्ञानी कहलाए केवल उस तारा नील सरस्वती एक जटा की साधना से। महाकवि कालिदास जो बुद्ध थे उन्होंने इस साधना के कारण ही आप महाकवि बने, ऐश्वर्यवान बने, राजा के नवरत्नों में एक कहलाए। रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। इस तरह महान इस एक जटा नील सरस्वती की साधना को संपन्न करने वाले उन महान भावों के पहले यहाँ क्या कहानी हुई थी उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान सूर्य, सूर्य की अर्घ्य देने के लिए सूर्य, यहाँ सूर्यनारायण भी नित्य सूर्यनारायण के अर्घ्य देने के लिए कृष्ण आदि से भी देवता आते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने को युधिष्ठिर ने पूछा कि इस क्षेत्र की महिमा क्या है, तब युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बताते हैं कि हे तुम्हें इसमें इसकी महिमा के बारे में क्या बताऊं। एक बार भगवान सूर्य अपने पत्नी के साथ संसार कर रहे थे, उनको उनकी पत्नी संज्ञा थी, उस संज्ञा से पुत्र वायुस्वत मनु और यम और यमी ये तीनों उनके पुत्र संतानें हुई। लेकिन संज्ञा सूर्य सूर्यनारायण के ताप को सहन नहीं करने के कारण वो वहाँ से उनके पास से चली गई और अपनी ही एक छाया बनाकर सूर्यनारायण जी के पास रखकर छोड़ के गई। छाया के साथ बहुत दिनों तक सूर्यनारायण जी संसार किए और सूर्यनारायण को छाया के साथ जो संतान हुई वह सावर्णी मनु और शनि भगवान और तपति, ये तीन संतानें उनके पास हुई। जब लेकिन पता चला कि ये छाया है तब उन्होंने कहा कि संज्ञा कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि संज्ञा ने ही मुझे यहाँ छोड़ के गया है, इसमें मेरी गलती क्या है। सूर्यनारायण बहुत क्रुद्ध हुए और छाया को पूर्ण भस्मसात कर दिया। जब ये बात शनि भगवान को, सावर्णी मनु को और तप्ति को पता चली कि हमारे माँ को तुमने जला दिया है इसलिए तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, शनि और सावर्णी मनु सूर्यनारायण भगवान के साथ युद्ध करने लगे। सूर्यनारायण भगवान ने लोह दंड से उनको ऐसा मारा कि दोनों को पंगू कर दिया। भगवान शनि महाराज को लंगड़े कहा जाता है, लंगड़े इसलिए हुए कि भगवान सूर्यनारायण ने उनको मार कर किया। तब शनि और सावर्णी मनु ने घोर तपस्या की और कहा कि हम इनके साथ कैसे करें, इनके साथ जीते कैसे। तब तक संज्ञा को ढूंढते हुए सूर्यनारायण भगवान निकले, तब अश्व के रूप में पृथ्वी पर घूम रही अपनी संज्ञा पत्नी को देखकर स्वयं भी अश्व का ही रूप धारण कर उस अश्विनी के साथ उनका संगम हुआ और उनका उनके साथ अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। जब अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ तो अश्विनी कुमार आए और पता चला कि उनके पिता को शनि और सावर्णी ने मारा है, तो अश्विनी कुमार ने आकर उनको भी बहुत मारा। उस समय उन्होंने तपस्या की, उस तपस्या को यहीं धवलेश्वर महादेव के पास आकर भगवान शनि और सावर्णी मुनि ने महाकाली और भद्रकाली नील सरस्वती एक जटा की साधना की और कहा कि हमें शक्ति दो कि हम इनके साथ युद्ध कर सकें। तब माता ने प्रसन्न होकर शनि भगवान को जिस प्रकार उनकी उनको शक्ति प्रदान की और आए, तब भगवान सूर्यनारायण कहते ब्रह्मा जी आकर कहने लगे कि हे शनि, हे सावर्णी, तुम तो युद्ध नहीं कर सकोगे सूर्यनारायण के साथ, क्योंकि उनके साथ अश्विनी कुमार भी है और अश्विनी कुमार वर प्राप्त है, तुम उनके साथ झगड़ नहीं सकोगे। तो तुम्हें क्या करना है प्रभु, ऐसा करो, प्रत्यक्ष रूप से तो हम युद्ध नहीं कर सकते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम इनको कुछ न कुछ इस सूर्यनारायण भगवान को हम सता सकें, ऐसी बोलो। तो अश्विनी कुमार ने तब तक एक सोमरस तैयार किया था जो चंद्र के हाथों से था, और चंद्र अश्विनी कुमार इतने शक्तिवान कैसे हुए सूर्यनारायण को पूछने के बाद बोले कि चंद्र ने इनको एक सोमरस दिया है, उस सोमरस के पान से वे श्रेष्ठ हुए हैं। तब उनको लगा शनि महाराज और सावर्णी मनु भी गए कि हमारे भी वो सोमरस दो, तो उन्होंने निराकरण कर दिया। सोम ने उस रस देने की बात कही कि हम इस रस को नहीं देते। तब उन्होंने घोर तपस्या एक जटा के माता के पास कहे कि कहा कि माँ, हम उसे युद्ध नहीं कर सकते और हम तो उनको जीत नहीं सकते, फिर हमें क्या करना चाहिए। तब माता काली कहती है कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं तुम्हारी तपस्या से सिद्ध हूँ, तुम्हारे अंश से मैं शनि के अंश से राहु को और सावर्णी के अंश से केतु को निर्माण करती हूँ, और ये दोनों भी सूर्य और चंद्र को ग्रहण बनकर हर बार ग्रहण करते हुए रहेंगे और इनको सताएंगे, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तब से राहु केतु की उत्पत्ति कहते हैं कि शनि और सावर्णी मनुष्य हुई और वो ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्र का ग्रहण करके करते हैं। इस प्रकार एक जटा कितनी भी तपस्या करने वालों को भी तपस्या प्रदान करती है। यहाँ जो कोई भी मनोकामना करता है तो उसकी मनोकामना वीर सिद्धि के साथ, वो भगवान से भी अन्याय हुआ तो भगवान से भी लड़ने की शक्ति प्राप्त करने की स्थिति माँ एक जटा यहाँ प्रदान करती है, जो रामकृष्ण परमहंस को भी प्राप्त हुई थी, महाकवि कालिदास को भी प्राप्त हुई थी,
और यहाँ तेनाली रामलिंग कवि थे, ये भी श्री कृष्ण देवराय के नवरत्नों में से थे और महाकवि कालिदास भोजराज के नवरत्नों में से थे। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में तो आपको पता ही है, जो नील सरस्वती को यहाँ या एक जटा माता को सिद्ध किया, वो इस संसार में अपने वाक चातुर्य से, अपने बुद्धिबल से ऐश्वर्यवान हुआ, आप एक बहुत बड़ी राजा की चक्रवर्ती के समान जीवन जिया, उसको ऐश्वर्य स्वर्ण और विद्या कवित्व सारी प्राप्ति प्राप्त करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यहाँ जो महानदी के संगम पर पानी में जल में खड़े होकर अपने गुरु के समक्ष अगर इस एक जटा मंत्र का 11 माला जब मंत्र करता है हाथ में अपने यंत्र को लेकर, तो वह निश्चित रूप से उस सिद्धि को प्राप्त करता है। बाद में जीवन में वो कभी भी ग्रहण आए, इस मंत्र को 11 माला करें ही करें, उसकी सरस्वती सिद्धि कभी भी नष्ट नहीं होगी। वो विद्वान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, क्योंकि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती। लेकिन इस नील सरस्वती एक जटा के इसमें विशेषता यह है कि वो ऐश्वर्यवान भी होता है और विद्यावान और संपन्नवान भी होता है, ऐसा इस एक जटा की साधना के बारे में कहा गया है। कहते हैं कि आज धवलेश्वर के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के साथ, जो श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास आए और चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को बुलाया और यहाँ की पूजा विधि करवाई। उसका नाम था श्रीधर और उसकी पत्नी थी। तो उन्होंने यहाँ पूजा विधि करने के बाद बहुत सारा धन कमाया। जब उसका धन देखे तो एक पांच चोरों के दिल में बहुत बुरी बुद्धि आई और वो उस ब्राह्मण के पास आए, बोले हम आपकी सेवा करते हैं, सेवा में रहना चाहते हैं। तो पहले तो ब्राह्मण निराकरण कर दिया, तो वो कहे हाँ आप हमारे पर विश्वास करो, हम आपकी सेवा करने के लिए आए। और उन्होंने भगवान धवलेश्वर के सामने रामचंद्र जी की शपथ खाई कि हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपके साथ रहेंगे। श्रीधर ने विश्वास किया कि भाई ये अच्छा ही है। तब वे वहाँ सब पूर्ण अपना पैसा जमा करने के बाद उन पांच जो चोर के रूप में थे उनको लेकर अपनी पत्नी के साथ रवाना हो गए अपने गांव को जाने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो जाते जाते क्या हुआ, उन पांच चोरों के दिल में आ गया कि अब इस ब्राह्मण को ख़त्म कर दिया। जैसा ही नदी पार कर गए उस ब्राह्मण को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उसकी पत्नी को उठाकर धन लेकर भागकर भागने लगे। तो पत्नी बार बार पीछे पलटकर देख रही थी। तो उन चोरों ने कहा क्या पीछे पलट कर देख रहे हो, तेरे पति को तो कभी का मार गया। मैं पति को नहीं देख रही हूँ, उस राम के शपथ को देख रही हूँ जो तुमने लिया है, वो तुम्हारा पीछा क्यों नहीं कर रहा है। तब भगवान त्रिशूल धवलेश्वर महादेव ने अपना त्रिशूल छोड़ा और कहा कि प्रभु वो शपथ खा गई, शपथ किस लिए खाते हैं, अगर शपथ झूठ है तो मेरे पति यहाँ रहना ही चाहिए, अगर राम की शपथ तुम्हारे सामने खाई है, तुम उसके साक्षीदार हो तो मेरी रक्षा करो। तब धवलेश्वर महादेव कहते हैं कि उन्होंने त्रिशूल छोड़ा और जैसे ही नदी पार करने गए, वो पार करते हुए आगे बढ़ रही थी और ये पांच चोर डूबते हुए चले जा रहे थे पानी में, डूबते डूबते नीचे खींचे। जब यहाँ तक पानी आया, उनको कोई खींच रहा है, तो उन्होंने मान लिया कि हम चोर हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रभु हमें क्षमा करो। तब उनको रक्षा करते हुए श्रीधर को भी प्रभु ने बचा कर लाया। इतनी सत्यता है इस धवलेश्वर महादेव में, यहाँ अन्याय होने नहीं देते, यहाँ जो शपथ खाकर काम करते हैं सरस्वती माता उनकी रक्षा करती है, ऐसा कार्य हम आज उसी साधना को यहाँ संपन्न करेंगे। मैं हमारे साधकों को कभी भी साधना शिविर में ही साधना करवाता हूँ, घर में यंत्र देकर नहीं भेजता। और यहाँ आज वो पुण्य का कार्य है, हो ही रहा है, एक घंटे के समय में साधना संपन्न होगी। जो साधक मेरे साथ साधना करना चाहते हैं वो यहाँ से हम नाव में बैठकर नदी के मध्य में जाएंगे, यंत्र को हाथ में रखकर एक जटा की साधना एक घंटा करके यहाँ आएंगे, फिर गुरु आरती होगी, गुरु आरती संपन्न करवा दीक्षा दूंगा और आपकी समस्याओं को सुनूंगा। साधना मेरे साथ करने वाले सब लोग नदी के तट पर आ जाए, हम साधना नदी में खड़े होकर साधना संपन्न करवा के आएंगे। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो साधना एक जटा और नील सरस्वती साधना करना चाहते हैं वो यंत्र और माला ले मेरे साथ नदी पर आ जाए।